पाकिस्तान में इतना महंगा क्यों है? इधर ये मंडी में सुबह 400 रुपए दर्जन मंडी वाले ने बेचे थे हम के। लेकिन फ्रेंड्स हम अंगूर की रेट पूछते हैं, अंगूर का क्या रेट है? 600 रुपए किलो है अंगूर का रेट, और इंडिया में अंगूर की प्राइस चल रही है। तो जी हम अमरूद के स्टॉल के पास खड़े हैं, ये देखते हैं अमरूद की क्या कीमत चल रही है। हालांकि अमरूद बहुत छोटा छोटा है, लेकिन इसकी प्राइस देखने में क्या आती है, कितने रुपए किलो है? असलामुअलैकुम फ्रेंड, दिस इज मी समन, और आप देख रहे हैं समन की दुनिया ब्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले जो मेरे ब्लॉग में न्यू है, काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुँच सके, जा सके। इंडिया की भरपूर फरमाइश से हमें फ्रूट प्राइस पार्ट 2 व्लॉग लाना ही पड़ा है। इंडिया की ये फरमाइश है कि एक तरफ आप पाकिस्तानी लिस्ट लेके हैं और दूसरी तरफ इंडिया की यानी कि हमारी लिस्ट लेके हैं। आइए चलते हैं। तो जी सबसे पहले हम तरबूज के स्टॉल के पास खड़े हुए हैं, इनके प्राइस पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक ठाक है? आप मुझे बताएं फ्रूट की ये तरबूज की क्या प्राइस चल रही है? ये मंडी में महंगा है, बाहर सस्ता है। अच्छा मंडी में महंगा है, बाहर सस्ता है, ऐसा क्यों है? ऐसे बाहर कहा है, लोगों ने गली लगवाई हुई है। अच्छा आप मुझे बताएं इसकी क्या प्राइस है? इसकी हाँ जी कितने रुपए किलो है? 60 रुपए। 60 रुपए, और इंडिया में आपको पता है 20 रुपए किलो चल रहा है। तो इंडिया में क्यों इतना सस्ता जा रहा है? इंडिया का उन लोगों को अपना भूल गए। अच्छा इसलिए ये इंडिया से आए हैं आप? ये बाकी पंजाब का है, ये पंजाब का है। तो इंडिया में सस्ता क्यों है? इंडिया में कहाँ सस्ता है, इंडिया की जी गवर्नमेंट है वो अमीर है। अच्छा जी वहाँ में वो गरीब है। अच्छा साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट गरीब है तो वहाँ अमीर है। चले ठीक है, तो क्या अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मुझे बताएं खरबूजे की क्या प्राइस चल रही है? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो, और इंडिया में इसकी प्राइस पता क्या है? 40 रुपए किलो। 40। तो इंडिया में क्यों इतना सस्ता और पाकिस्तान में क्यों इतना महंगा है? पाकिस्तान में देख लो, आप ही देख लो कैसे है। नहीं क्यों है इतना, इधर पाकिस्तान में इतना क्यों महंगा है? आप चले यही बता दें। ये तो हमें भी नहीं पता पाकिस्तान में इतना क्यों महंगा है। आपको पीछे से कितने का मिल रहा है? पीछे से हम तो दिहाड़ी काम करते हैं। हाँ कितने में मिल रहा है? मालक लेके आते हैं, हम बेच देते हैं। तो अगर आपसे कोई लेना चाहे तो आप सबसे कम प्राइस क्या लगाएंगे? 100 रुपए किलो लगाएंगे, इससे घट नहीं। 100 रुपए किलो लगाएंगे भाई, ये 90 रुपए किलो आपको पड़ रहा है दाना। अच्छा इनको पीछे से 90 रुपए पड़ रहा है, तो लेकिन ये 100 रुपए लगाएंगे, इससे ज्यादा ये कम कर ही नहीं सकते, मजबूरी है इनकी, ऐसे ही है। चले थैंक यू सो मच। स्ट्रॉबेरी के स्टॉल पर खड़े हुए हैं, देखते हैं स्ट्रॉबेरी की आज क्या प्राइस चल रही है, कितने रुपए किलो है अंकल जी? ये 250 रुपए किलो है। 250 रुपए किलो, तो आपको पीछे से कितने की आती है? ये पीछे 225 रुपए की। आपको पता है यही स्ट्रॉबेरी 80 रुपए किलो है इंडिया में। इंडिया में हाँ, तो वो क्यों इंडिया में क्यों इतनी सस्ती है, हमारे पाकिस्तान में क्यों इतनी महंगी है? ये कराची और इंडिया ना उधर सस्ता है, ये पाकिस्तान में महंगी है। क्यों महंगी है पाकिस्तान में? ये मुझे खुद नहीं पता, ये पीछे मंडी वालों को। रमजान वाले दिन इंडिया वालों ने हालांकि फ्रूट सबसे ज्यादा सस्ते कर दिए, तो पाकिस्तान वालों को भी चाहिए कि फ्रूट सस्ते करें। व्यापारी वाले जो व्यापारी हैं, जो मंडी वाले हैं ना, ये महंगा है तो इधर हम लोगों को महंगा। पीछे से आपको कितने रुपए का मिलता है? तो 225 रुपए पीछे मंडी पड़ रही है हमारी जी, पीछे 225 रुपए पड़ रही है। तो आप क्या दे रहे हैं इसकी प्राइस? 250 रुपए किलो। आपको पूरे 250 रुपए किलो दे रहे हैं, तो देख ले पीछे मंडी से इनको महंगी पड़ रही है 225, तो आगे ये हमें 250 रुपए किलो दे रहे हैं। तो जी फ्रेंड्स हम ये बनाना के स्टॉल के पास खड़े हैं, तो इसकी प्राइस पूछते हैं कितने रुपए दर्जन है? केला हम तो 300 रुपए दर्जन बेच रहे हैं। 300 रुपए दर्जन, यानी कि सबसे महंगा जो बिक रहा है ना इस टाइम, ये बनाना बिक रहा है। तो इसकी प्राइस है इंडिया में 40 रुपए दर्जन, इंडिया में ये बहुत सस्ता है, तो पाकिस्तान में इतना महंगा क्यों है? इधर ये मंडी में सुबह 400 रुपए दर्जन मंडी वाले ने बेचे थे हम के। देखिए यार मंडी में इनको 400 रुपए दर्जन मिल रहा है, तो ये आगे आगे आप सस्ता भी क्यों बेच रहे हैं? फिर सस्ता बेच रहे हैं, गाहक ले ही नहीं रहा, गाहक ले ही नहीं रहा, इनका मानना है कि गाहक आ ही नहीं रहा। वो इतना जो आ रहे पूछ के जा रहे हैं, जो आता है पूछ के चला जाता है, इतनी महंगी प्राइस में गाहक क्या खरीदेगा, आप लोग खुद बताएं। यानी कि बहुत ही सबसे महंगी प्राइस जो इसकी है बनाना की। फ्रेंड्स हम अंगूर की रेट पूछते हैं, अंगूर का क्या रेट है? 600 रुपए किलो है अंगूर का रेट, और इंडिया में अंगूर की प्राइस चल रही है सिर्फ 70 रुपए किलो। आखिर ये पाकिस्तान में अंगूर क्यों इतना महंगा हो गया है? तो आप बताएं मुझे, लोग आपसे खरीद रहे हैं कि बस जा रहे हैं पूछ के? अच्छा मंडी में, मंडी में क्या रेट है इसका? मंडी में अच्छा मंडी में तो आप समझ ले 800 रुपए इसकी प्राइस है, तो यहाँ ये 600 रुपए बेच रहे हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूर है, उन्होंने भी बेच के घर कुछ ना कुछ लेके जाना है। चले चले जी हम सेब के स्टॉल के पास खड़े हुए हैं, तो इसकी प्राइस पूछते हैं, ये लाल वाले सेब की क्या प्राइस है? क्या प्राइस है इनकी? 400
ढाई सौ रुपए किलो बिक रहा है क्यों? अच्छा मुझे बताइए आपको पीछे से कितने का पड़ रहा है ये? साढ़े तीन सौ आता है। तो आप कितना बेच रहे हैं? चार सौ रुपए में बेच रहे हैं। साढ़े तीन सौ रुपए इनको मंडी में मिलता है तो यहाँ ये पाकिस्तानी आवाम को चार सौ रुपए में बेच रहे हैं। तो जी हम अमरूद के स्टॉल के पास खड़े हैं, ये देखते हैं अमरूद की क्या कीमत चल रही है। हालांकि अमरूद बहुत छोटा छोटा है लेकिन इसकी प्राइस देखने में क्या आती है, कितने रुपए किलो है अमरूद यहाँ पर पाकिस्तान पर? 180 रुपए किलो दिया जा रहा है, क्या बात है। मतलब आवाम बस पूछे और चले जाए, कुछ खाए भी है ना ले। अच्छा मुझे बताइए ये गरमा आपने लगाया है माशाल्लाह, ये कितने रुपए किलो लगाया है? 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो। अगर आपसे कोई रायत करना चाहे कितने रुपए किलो का? 100 रुपए किलो तक। मतलब फाइनल आपकी तरफ से 100 रुपए किलो होगा। और आपको पता है कि इंडिया में गरमा ये कितने रुपए किलो हो सकता है? सस्ता है कि महंगा है? उधर का पता नहीं, उधर ये 50 रुपए किलो मिल रहा है। सुबह उधर से आना है इधर, यानी कि आपके मुताबिक ये गरमा इंडिया से आता है? उधर से आता है, यहाँ मुल्तान से आता है। आपको फ्रूट प्राइस भी नज़र भी आई होगी और बहुत से लोगों की फरमाइश बहुत पड़ी है और आहिस्ता आहिस्ता ही आपकी फरमाइश पे वीडियो बनाई जाएगी। अगर किसी को मेरी इंस्टा आईडी नहीं पता तो samugal51 मेरी इंस्टा आईडी है, तो काइंडली यहाँ पे मैसेज किया करें, आपके मुताबिक जो भी आपकी वीडियो जो भी आप कह रहे हैं यहाँ पर मैसेज करके बताएँ और इंशाल्लाह ताला आपकी फरमाइश के मुताबिक वो वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू।